हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज होम में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिरसा में हुई गैंगवार को लेकर। उस गैंगवार का एक CCTV फुटेज सामने आया है, बताते हैं आपको पूरी जानकारी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हरियाणा में सिरसा के कालावली में हुए डबल मर्डर की CCTV फुटेज सामने आई है। फुटेज के मुताबिक जग्गा गैंग के गुर्गे ने काले रंग की एक्सेंट कार से बाहर निकलकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। इसी बीच उनके पास से दीपू जग्गा गैंग का एक सदस्य अपनी जान बचाकर भागा। हमलावर ने पिस्टल से उस पर गोलियां चलाई लेकिन वह भाग निकला। इसी बीच पिस्टल जाम हो गया, पिस्टल में गोलियां फंस गई। इसके बाद उसने दोबारा लोड करने का प्रयास किया लेकिन तब तक युवक भाग गया था। इसके बाद हमलावर चलती एक्सेंट कार में बैठकर फरार हो गया। वारदात में 3 गाड़ियां प्रयोग की गई थी। SP अर्पित जैन ने कहा कि इस CCTV फुटेज से आरोपियों के खिलाफ केस मजबूत होगा, इसे कोर्ट में सबूतों के साथ पेश किया जाए। हम और भी CCTV फुटेज ढूंढ रहे हैं, आरोपियों को पकड़ने के लिए धरपकड़ जारी है। दोस्तों, दीपक और बीरेंद्र की हत्या के मामले में उनके साथी अमनदीप और परमजीत को भी गोलियां लगी थी। अमनदीप की हालत अब स्थिर है। अमनदीप ने जग्गा गैंग के साथ अपनी दुश्मनी पर कुछ खुलासे किए हैं। दोस्तों, घायल अमनदीप ने बताया कि कभी वे सभी इकट्ठा होकर जग्गा के साथ ही रहते थे, लेकिन 3 साल पहले जग्गा उनसे कुछ गलत काम करवाना चाहता था, इसलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया। तब से जग्गा हमारा विरोधी हो गया। छोटी छोटी बातों पर हमारी बिगड़ गई और वह रंजिश रखने लगा। अमनदीप ने इस बात से इनकार किया है कि उनकी कोई गैंग है। अमनदीप ने बताया कि हमारी कोई गैंग नहीं है, हम पर जो मुकदमे दर्ज हैं वे जमीन के झगड़े के हैं और स्थानीय थाने के हैं, किसी दूसरे जिले का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। जग्गा और वे कुछ मामलों में एक साथ आरोपी हैं। सिरसा पुलिस की 5 टीमें जग्गा को गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान और पंजाब में दबिश दे रही हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि गैंगस्टर जग्गा तख्तमल से इस हत्याकांड के बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था कि 16 जनवरी को जो कालावली में मर्डर हुए, इसमें ट्रक यूनियन वाला दीपू कालावली और उनका एक साथी सरेआम ठोक दिए। 1-2 कुत्ते बच गए हैं, जो रह गए हैं उनको भी जल्द ही टांग दूंगा। कोई भी कालावली में गुंडागर्दी करेगा तो अपनी मौत का जिम्मेदार वह खुद होगा। NIA का वांटेड जग्गा सिंह बम्बीहा ग्रुप से जुड़ा हुआ है। पिछली बार NIA ने जग्गा के घर पर रेड की थी, तब उसके घर से NIA ने 127 कारतूस और राइफल बरामद की थी। NIA ने जग्गा के घर पर नोटिस भी चस्पा किया था लेकिन जग्गा NIA के समक्ष पेश नहीं हुआ। वहीं दीपक के साथी रंजिश के चलते चलते 21 नवंबर 2022 को दीपक को उठाने के लिए पंजाब पुलिस के 3 जवान आए थे, लेकिन ट्रक यूनियन में विरोध होने के बाद पंजाब पुलिस के जवान चले गए। बाद में पता चला कि इनके साथ जग्गा भी कार में आया था। कालावली ट्रक यूनियन के प्रधान दीपक उर्फ दीपू, बीरेंद्र उर्फ दीपू और अमनदीप उर्फ काला और परमजीत उर्फ जग्गा व रजत सिरसा कोर्ट में पेशी पर आए हुए थे। जब वे लौट रहे थे तो 5 युवकों ने कालावली के देसुमलकाना रोड पर अपनी स्कॉर्पियो से उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई, दोनों ओर से फायरिंग हुई। इस मामले में यूनियन प्रधान दीपक और बीरेंद्र सिंह की मौत हो गई, जबकि अमनदीप व परमजीत घायल हो गए हैं, उनके पेट और हाथ में गोलियां लगी हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो इस गैंगवार को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।